चाइना भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी प्रतिनिधि मंडल का नहीं है, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ जब से नई सरकार आई है तब से कुछ व्यापारिक कटुता भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया। वीजा की प्रॉब्लम की वजह से ही जो है वो लोग नहीं आ पाए, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो व्यापारिक संबंध चाहते हैं, हम जितने भी ग्लोबलाइजेशन के जो कंट्रीज और खास करके जो सार्क देश के कंट्रीज हैं उन सब में जो है चाहते हैं हम, उनका प्रतिनिधित्व हो, हम वहाँ जाएँ वो यहाँ आए। लेकिन संभवतः नई सरकार की जो उनकी वहाँ पॉलिसी होगी उसकी वीजा प्रॉब्लम है, इसका उनके नाम के कारण रहेगा। और हमारा फिर भी प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे यहाँ के आउटकम है हम वहाँ के व्यापारियों को जो है सचेत। सर मैं ये कह रहा हूँ जी, आगरा में मीट एट आगरा हो रहा है, तो यहाँ पर हर बार वैसे पाकिस्तान का कोई ना कोई प्रतिनिधि मंडल आता था, सर पाकिस्तान का एक भी प्रतिनिधि मंडल नहीं है, इसकी वजह क्या है? हमने इनविटेशन सब जगह भेजा है, अब वो क्यों नहीं आ पाए, क्या वगैरह हो पाई, इसका तो कहना मुश्किल है। हो सकता है कभी लोग अपने हब को प्रिपेयर हो या बिजी हो या बीजे के कोई इशू हो, तो हमें इस बात का कोई नॉलेज नहीं कि क्यों नहीं आ पाए। इनविटेशन सबको भेजा है, उनकी तरफ से कोई अपने को मैसेज मिला हो? मैसेज, कोई मैसेज